दोस्तों आज ये जानकारी देंगे आपको कि मॉनसून आने से पहले आपको अपने पौधों में क्या करना होगा। जैसे कि ये आज हम गुलाब के ट्रीटमेंट करेंगे, इसको अच्छा से ट्विनिंग करेंगे, यानी कि सब जगह से इसे कट लगाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं बेजान सी गुलाब का पौधा, दोस्तों ये पौधा हमें पूरी ठंडी हमें भरपूर फूल दिए हैं और गर्मी तक ये फूल दिया है हमें। पर दोस्तों अब जो इसे कुछ दवा और कुछ इसका इलाज की ज़रूरत है। जो यदि आपके घर में इस तरह से प्लांट हो चुका है, एकदम बड़ा हो चुका है, इसे हम एक डंडे के सहारे से इतना बड़ा हम किए हुए थे, अब दोस्तों इसको अब हमें कट लगाना होगा क्योंकि अब नया ग्रोथ का समय आ गया है। और दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी प्लांट है और आप गमले में लगाए हुए हैं तो दोस्तों मॉनसून आने से पहले आप इसका ट्रीटमेंट कर दें, नहीं तो बारिश की वजह से जो भी आप दवा देंगे डीएनई होल से आपका सारा निकल जाएगा। तो आपको आज हम बताते हैं कि इसे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए और इसे फंगस, जिस तरह की इसमें कुछ फंगस का भी अटैक देखा जा रहा है और कुछ धूप की वजह से हमारा पत्ते जो है जल चुका है, तो सारा का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं आप हमारे वीडियो में बने रहें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपका छूट जाएगा तो आप पूरा वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कट लगाएंगे इसका। हर पौधा को थोड़ा बहुत हमें काटना इसलिए ज़रूरी रहता है कि यदि हम नहीं काटेंगे तो नई ग्रोथ से हम वंचित रह जाएंगे और हमारा पौधा जो है हेल्दी नहीं होगा। इस तरह से बड़ा पौधा यदि आप नहीं कट करते हैं तो इससे क्या होता है, पौधा दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जाता है। और इस तरह का पौधा का यदि हम कट लगाते हैं तो पौधा फिर से हमारा नई ग्रोथ की ओर में आता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से हम कट करेंगे। दोस्तों पौधा काटने के लिए तो हर किसी को माया लगता है कि हम इतना बड़ा पौधा कितना मुश्किल से बड़ा किए हैं, पर अब इसका भविष्य के लिए हमें इसे यहाँ से इस तरह से बड़ा बड़ा डाल हमें हटाना होगा। देखें हम कितना बड़ा डाल हटाए हैं। यदि आप चाहें तो फिर से ये पौधा आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं केवल कट से। तो हम यहाँ रखते हुए जाते हैं और ठीक आपको करना है बराबर, ताकि आपका पौधा अच्छा लगे, बराबर की ओर कट लगाएं। इस तरह से हम कट लगा रहे हैं ताकि जब भी आपका पौधा उगे तो एक साथ इसका नई ग्रोथ हो। तो अब क्या है कि अब हमें करना क्या है, जैसे कि हम बराबर की ओर काट लिए, कुछ जो है से भी हम बराबर की ओर काट लेते हैं। अब जो ये आपको कहीं कहीं लीफ सूखा हुआ दिख रहा है, कहीं जला हुआ दिख रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से इस तरह से हम हटाएंगे और इसका नई ग्रोथ आपका हफ्ता दिन के अंदर नया नया लीफ इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दवा इसमें डालकर दिखाएंगे, वो दवा कौन सा है आप वीडियो में बने रहें, दवा हम डालकर दिखाएंगे। गर्मी के सीजन में हम इसमें क्या किए थे, पंचिंग भी सारा हम हटा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ भी छिलका, जैसे प्याज का छिलका हम डाल देते थे, आलू का छिलका डाल देते थे, ताकि हमारा इसमें धीरे धीरे न्यूट्रिशन इसमें जाता रहे। अब इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें केमिकल फर्टिलाइजर। वो केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, बरसात के सीजन में यदि आप घरेलू तरीका से डालते हैं तो उतना ग्रोथ नहीं करेगा, कहीं ना कहीं फंगस लगने का अटैक हो सकता है, क्योंकि बारिश में बार बार बारिश होने से हमारा पौधा क्या होता है, जड़ हमेशा हमारा भींजा हुआ रहता है। तो इसलिए हम कहें कि मॉनसून आने से पहले एक दो बार पानी आ चुका है हमारे शहरों में, आज भी पानी दिया था और कल भी दिया था, तो ये हमारा मिट्टी जो है गीला है, इसे हम कुड़ाई करने के बाद थोड़ा मिट्टी निकालेंगे इसका, क्योंकि यदि हमारा इसमें गांच स्वस्थ है, यदि आपका गांच यदि मर चुका है और मिट्टी आपको क्या करना है, इसे धूप दिखाना है, पर हमारे इसमें गांच स्वस्थ है तो हम क्या करेंगे, साइड साइड से मिट्टी निकालेंगे, यहां से मिट्टी निकालेंगे इस तरह से। इसमें हम डालेंगे घरेलू नुस्खा जो आपको बताने जा रहे हैं, इसे हम प्लास्टिक में भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, देखकर तो पहचान लिए होंगे आप,
ये हमारा है गोइठे की राख। अपने घर में धूप जलाने के लिए आप धूप बत्ती में जब अपने घर में सारा घर में दिखाते हैं, जब ये राख बच जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में स्टोर करके रखते हैं इसी समय के लिए। और ये जो राख है हम ज़्यादा भी देंगे तो भी खराबी करेगा, हमें बराबर मात्रा से देना है। ऐसा नहीं कि ये घरेलू चीज़ है तो हम ज़्यादा दे दें, तो हमें क्या करना है, मात्र एक मुट्ठी लेना है और इसे साइड साइड में देना है, इस तरह से दे दिए। ये हमारा क्या काम करेगा, ये पोटाश जो आप केमिकल पोटाश डालते हैं, तो हम केमिकल पोटाश ना डाल के ये हम गोइठे का राख, लकड़ी का राख मिलाकर रखे हुए हैं, बस इसे इसमें डाले हैं। जो ये है हमारे हाथ में, ये है मिक्सचर खाद, इसे भी हम घर में बनाए हैं मिक्सचर खाद। यदि आपको घर में बनाना है तो इसका वीडियो हम डाले हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो देखना है कि मिक्सचर खाद घर में कैसे बनता है तो आपको लिंक दे देंगे ताकि आप भी घर पर मिक्सचर खाद बना सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में इस तरह का खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चम्मच ऐसा किनारी डाल देंगे इस तरह से। 2 चम्मच डालने के बाद ये हाथ में हमारे ये है एप्सम सॉल्ट। हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेके इस तरह से अपने पौधों में देंगे, क्योंकि अभी बहुत ही ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए, नई ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ होगा। अब जो ये मिट्टी है, हम मिट्टी इसमें फिर से डाल देंगे। डालने के बाद हमें करना क्या है, पहले हम जहाँ जहाँ कट लगाए हैं तो इसे हम इस तरह छोड़ेंगे तो क्या होगा, नई ग्रोथ तो आएगा पर आपका जो जहाँ भी इस तरह से कट है आपका कुछ कहीं इतना सूख जाएगा, कहीं ज़्यादा सूख जाएगा, तो नहीं सूखे हमारा स्टेम, इसके लिए आपको क्या करना है वो समझे। दोस्तों इसके ऊपर हम हमेशा बताते हैं कि इसे हमें इस तरह कभी भी नहीं छोड़ना है, जब हम कट लगाते हैं तो ये बिल्कुल ये इसका मुंह खुल जाता है और इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो हमें क्या करना है, ये एलोवेरा जेल लेना है, यदि इसके जगह में हल्दी ले सकते हैं, इसके जगह में आप मधु ले सकते हैं, इसके जगह में आप फंगीसाइड पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं, पर ये बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, इस तरह से घुमाना है, केवल जेल लगाना है, इस तरह से घुमा के अच्छा से जेल लगा दें तो ये जो स्टेम है कभी भी नहीं सूखेगा और नई ब्रांच आने का पूरा चांस इसमें हमारा रहेगा। और ये नया ब्रांच आपका हफ्ता दिन का अंदर एकदम आ जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा जब नया ब्रांच आएगा इसमें। तो इस तरह से हमें लगाना है और जितना हम लेकर आए हैं कुछ कुछ जगह में हम इस तरह से डाल देंगे, जैसे कि हम यहाँ जेल लगा दिए इसमें डाल दिए, कुछ इसमें हम डाल देंगे इस तरह से जो मोटा मोटा हमारा ब्रांच है इस तरह से हम डाल देंगे। एक यहां डाल देते हैं इस तरह से और एक यहां डाल देते हैं इस तरह से। हम एलोवेरा जेल का क्या किए, मुंह हल्का हल्का कटिंग किए, जो यहां से हमारा एलोवेरा जेल सूख रहा था ऊपर ऊपर हमको कट ऐसे भी लगाना था, तो हम कट लगा के इस तरह से जेल निकाल के अपना पौधा का केयर किए। यदि दोस्तों यदि गुलाब का आपको नई ग्रोथ लेना है, ज़्यादा फूल लेना है, तो अभी स्टेम कर लेते हैं तो बरसात का सीजन में बहुत सारे फूल इसमें आएंगे, भर भर के आएंगे और पौधा भी हमारा गुलदस्ता के तरह लगेगा, अब बड़ा भी नहीं होगा हमारा, सेम साइज में हमारा सारा पौधा आएगा। तो दोस्तों ये जो जानकारी दी है, जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्त फिर से नए एक वीडियो में।